तौबा। चलें अब ये जो हम कॉल करने लगे हैं, ये कॉल एक नाराज बेटी को हम कॉल करेंगे, क्योंकि इनके अब्बू ने हमें नंबर दिया था। इनके अब्बू ने कहा था कि मेरी बेटी मुझसे 3 दिन से बात नहीं कर रही है। अच्छा। और वो नाराज़ हो चुकी है और मैं ऑफिस से आता हूँ थका हुआ, वो तो अभी मुझे सलाम दुआ भी नहीं कर रही, और ये एक बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत है ये। तो हम कॉल कर रहे हैं कमल को, और एजाज साहब आपके कहने पर आपकी बेटी को कॉल कर रहे हैं, और आपने कहा था कि इसका कटाकट बनाओ, बेसिकली कटाकट क्या उन्होंने बोला था, इसको समझाओ। तो हम फिर समझाते हैं इनको अभी, और लेट्स सी। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कवल बात कर रही हो? जी जी बात कर रही हूँ अंकल, आप कौन बात कर रहे हैं? कवल, आप बेटा आसिफ अंकल बात कर रहा हूँ, आपके अब्बू का फ्रेंड हूँ। जी अंकल। और क्या हुआ है बेटा, ये आपके अब्बू आज मिले थे मुझे सुबह, उसने मुझे कहा कि भाई वो कवल जो है वो बात नहीं कर रही मेरी बेटी। तो मैंने कहा यार मुझे नंबर दे, मैं बात करता हूँ। तो क्या हुआ है अपना बेटा, ऐसा क्या तुम्हारा बाप है वो बेटा? वो मैं उनकी बेटी हूँ, ठीक है। और छोटी छोटी बातों में मैं कभी उनसे झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में मेरे साथ छिड़ जाते हैं। फ्रेंड क्या नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बेटा ये अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। बेटा तुम्हारा बाप है तो इस तरह करके। बेटा बाप है, बाप बेटा वो बाप है तुम्हारा, मतलब वो कह सकता है ना तुमको। अंकल आई नो, बट इतना भी नहीं होता। वो सारी मेरी फ्रेंड्स को जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। हम स्कूल गए, कॉलेज गए, इधर गए, उधर गए, उस टाइम पे तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी क्यों हो रही है? तो आप कहाँ जाना चाहती हो, मैं उससे बात करूंगा। कहाँ जाना चाहती हो आप? अंकल मुझे फ्रेंड्स में जाना होता है, लड़कियों दोस्तें हैं मेरी, मुझे उनके अंदर जाना होता है, मुझे बहुत सारी चीजें होती है इंसान में। अच्छा तो जो भी है बेटा, मेरी बात तो सिर्फ इतनी है कि देखो वो तुम्हारा वालिद है, वो तुम्हें पे मतलब उसका हक है तुम पे, तुम्हें समझाना, तुम्हें चीज़ों का सही और गलत बताना, वो तुम्हारा वालिद है, ये याद रखो। अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये देखिए ना, अभी ये भी दोनों ने इंसल्ट की ना कि आपको मेरा नंबर दे के कि आप मुझे समझाएं, इट्स नॉट गुड ना। देखो मैं, उसने जो मुझे नंबर दिया ना, मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। हम लोग मोहल्ले में पापोश में साथ होते थे, और जब कोई जॉब नहीं थी स्कूल हम लोग साथ जाते थे, हम बचपन के दोस्त हैं। और ये दोस्तों में होता है दोस्त नंबर दे देते हैं, और इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की। लेकिन अब तुम्हारी बात मैं समझ गया हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं कल उससे मिलता हूँ। उस गधे के बच्चे को आने दो, उस गधे के बच्चे को मैं ऐसा मारूंगा, मुर्गा बना के डंडे मारूंगा, सर्दी में ठंडे ठंडे डंडे लगेंगे ना उस कुत्ते को। अंकल 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 नहीं, अब उसको आने दो, ऐसी चमाट मारूंगा, लात मारूंगा उसके मुंह पे उल्लू का पट्टा। आप ऐसे नहीं बोले प्लीज, आपके बाबा को ऐसे नहीं बोलूं? नहीं आप नहीं बोले। यही तो बोल रहा था मैं इतनी देर से, बेटा वालिद है तुम्हारे वो, है ना, वो वालिद है, यही तो कह रहा हूँ, वालिद वालिद होते हैं। अभी आपको वो लगा ना बुरा, तो वालिद ही तो है आपके, तो वो आपको जिन चीजों से मना कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो हेलो, मेरी बात सुने? हेलो जी बिल्कुल। कवल कवल, मैं जैन बात कर रहा हूँ, कटाकट शो से, बोल एंटरटेनमेंट से कॉल किए तुम्हें। ऐसा नहीं करो यार, तुम्हारे अब्बू बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत ज्यादा। सोचो उन्होंने टीवी पे नंबर दे दिया तुम्हारा, किसको बनाओ, इतना परेशान हो गए थे तुम्हारी खामोशी से। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि जब मैंने तुम्हारे अब्बू का दोस्त बन के उनको बुरा भला बोलना शुरू किया, तो तुम्हें जरा तुम्हारे अंदर का वो बच्चा जागा, तुमने कहा मेरे अब्बू को बोल कैसे रहे। जैसी बात है, मेरे अब्बू के लिए कोई बोलेगा ऐसी गधा वधा बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ना मुझे। मैं भी सॉरी करता हूँ इजाज़ साहब, मैंने इस तरह की लव्स यूज किए, लेकिन मनाना था, मैं क्या करूँ, उसको समझाना था। कभी कभी कुछ इस तरह की वो सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो यही किया हमने। खैर अब्बू आए तो अब्बू को गले लगाओ, अब्बू के लिए चाय बनाओ, और अब्बू को प्यार करो, अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कॉल करवाई थी। थैंक यू, नाराजगी मत रखना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।